नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी राशि के अनुसार हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। ग्रहों के अनुसार से मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके कामों में सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। मन में प्रसन्नता का उदय हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़े से कष्ट के योग दिखाई देते हैं। एक काम करें, माँ भगवती शिव पार्वती का पूजन करें, रेशमी वस्त्र लाल उन्हें अर्पित करें, कल्याण होगा। माँ में करेंगी कल्याण। वृक राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा कमजोर रहता है, लेकिन कामकाज के सिलसिले में अच्छे नतीजे आपको प्राप्त हो सकते हैं। शंकर पार्वती को लाभ गुलाब की माला है वो अर्पित करें। माँ में करेंगी कल्याण। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन दिखाई देता है कि आज गतिविधियों में शामिल होने के लिए कुछ अच्छा अवसर होगा, सुकून देगा समय आपको। व्यापार के लिए अच्छा दिन दिखाई देता है। कोई सकारात्मक यात्रा आपको अच्छे परिणाम दे सकती है। माँ शिव पार्वती का पूजन करें, पार्वती जी को हल्दी और शिव को चंदन अर्पित करें, कल्याण होगा। माँ में करेंगी कल्याण। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य से बेहतर रहता दिखाई दे रहा है। परिवार में सुख शांति रहती दिखाई दे रही है। आज निवेश के लिए समय अच्छा नहीं है, थोड़ा प्रतीक्षा कर लें। शिव पार्वती को श्रृंगार का सामान उपस्थित करें, उनका आशीर्वाद में कल्याण होगा। कल्याण। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा दिखाई देता है। तेजी से काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करता दिखाई दे रहा है। प्रभावशाली लोगों को संपर्क करना आपके लिए अच्छा रहेगा। माँ भगवती पार्वती का पूजन करें, पीले पुष्प अर्पित करें, आपके लिए बहुत शुभ योग बनेगा। हम करेंगे कल्याण। कन्या राशि वालों के लिए दिन सामान्य तरीके से बीतता दिखाई दे रहा है, पर कुछ खास कार्यों में रुकावट आने के योग बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में मन लगाकर काम करने का प्रयास करें। महालक्ष्मी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाकर प्रज्वलित करें, आशीर्वाद मिलेगा माँ का। मामे करेंगे कल्याण। तुला राशि वालों के लिए आज का ग्रह योग दिखाता है कि आप निंदा के पात्र बन सकते हैं। सावधान होकर काम करने का प्रयास करें। आज आपको बचत करने में थोड़ी मुश्किलें आती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों से बात करें, अपनी परेशानियों के बारे में बात करें, मन का बोझा हल्का होगा, रास्ता कोई प्राप्त होगा। खाली वक्त का सदुपयोग करें, शिव का स्नान पंचामृत से कराएं, श्रृंगार का सामान माँ भगवती को अर्पित करें, कल्याण के योग। मामे करेंगी कल्याण। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह योग दिखाते हैं खर्चों पर नियंत्रण खासतौर प्राप्त करने के लिए अच्छे से प्लानिंग करने की जरूरत दिखाई देती है। आज प्लानिंग करते हुए काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा कुछ समस्याएं आपके समक्ष आ सकती हैं। शिव को दूर्वा अर्पित करें, आपके लिए कल्याण के योग बनेंगे। मामे करेंगे कल्याण। धनु राशि वालों के लिए ग्रह योग दिखाते हैं कि सकारात्मक भावनाओं को अपनाने का प्रयास करें और खुद को प्रोत्साहित करने का प्रयास करें। आज घूमना फिरने के लिए अच्छा रहेगा कार्यक्रम। आज ताकत और समझ दोनों अच्छी हैं, लेकिन उनका पॉजिटिव तरह उपयोग करने का प्रयास करें। पार्वती जी की पूजा करें, चमेली और बेले के फूल उन्हें अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। मामे करेंगे कल्याण। मकर राशि वालों के लिए आज काम पर ध्यान देने के लिए जरूरत दिखाई देती है। काम में मन लगाएं, अन्यथा समस्याएं आपके समक्ष आ सकती हैं। आज विरोधियों पर आप हावी रहते दिखाई दे रहे हैं। धन लाभ के योग अवश्य बन सकते हैं। शिव मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करना आपके लिए कल्याणकारी है। मामे करेंगे कल्याण। कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य का साथ मिलता दिखाई दे रहा है। आज कोई यात्रा का सुखद कार्यक्रम बन सकता है। कामों के सिलसिले में सुखद नतीजे आपको प्राप्त हो सकते हैं। किसी आगंतुक के घर में आगमन होने के योग दिखाई देते हैं। शिवजी को सफेद पुष्प अर्पित करें, आपके लिए दिन शुभ रहेगा। मामे करेंगे कल्याण। मीन राशि वालों के लिए आज का योग बनता दिखाई दे रहा है। ध्यान से कार्य करना होगा। आज आपके दुश्मन जो हैं आप पर नजर बनाए रखें, सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। संभवतः बड़े किसी विशिष्ट व्यक्ति की आपको सलाह लेते हुए काम करना आपके लिए सफलता का योग बना सकते हैं। शिव पार्वती को श्रृंगार का सामान उपस्थित करें, आपके रिश्तों को बेहतर करने के लिए ये उपाय बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा।